हेलो सर, कैसे हो? बस सर, क्या नाम हुआ सर आपका? पटेल मोहम्मद सलीम। और सर, आपने ये कंपनी का क्या नाम है सर? पटेल डायमेक इंजीनियरिंग वर्क। तो क्या क्या बनाते हैं सर आप? हम बैटरी मैन्युफैक्चर के लिए सारी मशीनरी बनाते हैं। अच्छा। उसमें हमारा डॉट पिन मार्किंग मशीन है, स्रिंग रैपिंग मशीन है, हीट सीलिंग मशीन है, इंटरसेल वेल्डिंग मशीन, ग्रिड कास्टिंग मशीन, इस तरह के स्मॉल पार्ट वगैरह, स्ट्रैप मोल्ड वगैरह सारी मशीनरी बनाते हैं हम लोग। कम्प्लीटली पूरा सेटअप बैटरी मैन्युफैक्चर का पूरा प्लांट लगा के देते हैं। चलिए सर, यहाँ पर काउंटर पे कुछ मशीन्स लगे हुए हैं, उसके फंक्शनलिटी के बारे में समझते हैं। आइए सर। ये हमारी डॉट पिन मार्किंग मशीन है। हाँ जी। ये फ्यूचर के लिए सॉफ्टवेयर वाली मशीन है पूरी। अच्छा। इसमें हमारा बैटरी के ऊपर इसमें अपने कंपनी का इनवॉइस करना हो, अगर लोगो नाम वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा। बराबर। और इसके साथ में दूसरा बारकोड की जो पर्ची होती है, एसिड प्रूफ लेमिनेशन वाली बारकोड प्रिंट आती है। हाँ जी। वो बारकोड प्रिंट भी हमारी निकल जाती है यहाँ से। हाँ जी। यहाँ से दिखाइए, ये बारकोड भी यहाँ पर बारकोड प्रिंट साथ साथ में निकल जाती है। ठीक है। और ये मशीन की हमारी पूरी एक साल की वारंटी रहती है। अच्छा। और हमारी अभी ऑल ओवर इंडिया, बांग्लादेश वगैरह सब जगह पे 100 के ऊपर मशीन जा चुकी है। अच्छा। और स्रिंग रैपिंग मशीन भी हम सारी अच्छी कंडीशन से बनाते हैं, उसका डिस्प्ले लाया है यहाँ पर। अच्छा। तो सर, इसमें क्या है कि ये सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर आपका ही रहता है? हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है। जी। तो जो अगर मशीन ले गया तो उसका ये, जैसे यहाँ पर जितना भी ये है प्रिंट करना है तो सारा ये इसके ये मशीन से हो जाएगा। इसमें सारी लोगो वगैरह कोई भी राइटिंग में लिखना चाहो, अपन गुजराती, हिंदी, मराठी सारी राइटिंग में लिख सकते हैं अपन। अच्छा। तो सर, जैसे इसमें सॉफ्टवेयर होता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है जैसे साल भर के बाद खत्म हो गया? नहीं नहीं, उसका कोई चार्जेबल नहीं है, वन टाइम ही है। हम मेल कर लेते हैं या तो पेन ड्राइव में दे देते हैं। अच्छा। बराबर। वो एनी टाइम यूज कर सकता है उसको, जब भी उसको कंप्यूटर रिस्टार्ट मारता है तो एनी टाइम उसको वापस। मतलब वन टाइम पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि अगर सॉफ्टवेयर साल भर के बाद फिर से सॉफ्टवेयर को रिन्यूअल करवाना पड़ेगा? कुछ भी नहीं है, वन टाइम ही सॉफ्टवेयर है वो। अच्छा। जी जी। क्या रेंजेस, क्या प्राइसेस क्या रहते हैं? ये अप्रोक्सीमेटली इसका 149,000 के आसपास का रेट है। अच्छा। बराबर। थोड़ा बहुत एक्टिवेशन में स्पेशल डिस्काउंट कर लेते हैं हम। अच्छा। वो कस्टमर वाइज कर लेते हैं। हाँ, वो तो आप जिसको लेना है, जिनको करना है, वो आपसे बात करके डील कर सकते हैं। जी जी। उसके बाद जो एक है सर मशीन, ये कौन सा मशीन? ये वो सेम मशीन है, छोटी मशीन है, छोटे बजट के लिए। अच्छा। ये टू व्हीलर बैटरी मैन्युफैक्चर के लिए छोटे बजट की मशीन है। इसमें इनको लैपटॉप या तो नोटबुक लगा सकते हैं। अच्छा। और छोटे वर्कआउट में इनको कम बजट में काम कर सकते हैं। अच्छा, ये छोटे बजट के लिए, छोटे बजट के लिए इसमें ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्या ये जैसे घर में जो बिजली आती है 220 वोल्ट, उस पे चल सकता है? हाँ, आराम से चल सकता। ये छोटी वाली चल सकती है? हाँ, इसमें छोटा एयर की लाइन लगती है कंप्रेसर की। अच्छा। और इसके साथ में नोटबुक लगता है, नोट पैड, उससे वर्कआउट हो जाती है। अच्छा। और यहाँ यहाँ दिखाओ लोगो, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। ये है कि भाई हमारा इंडियन ब्रांड हो गया, मेक इन इंडिया को आप सपोर्ट कर रहे हो। जी, अपना जी, घर का बनाया हुआ है ना सर? और सर, बस सारी मशीनरी अपनी है। अंदर से वीडियो ले लो, इधर आ जाइए, बस वीडियो लेने बोल। हाँ जी। ये है कि ग्रिड कटिंग मशीन हो गया, सेमी ऑटो ग्रिड कास्टिंग मशीन, एंड ये इलेक्ट्रिकल हीट मेल्टिंग फटनेस। तो ए टू जेड आपको यहाँ पर जितना दिखाई दे रहा है सारे बनाते हो सर। एक जैसे अगर किसी को प्लांट बिठाना हो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का, तो हमारा खुद का बैटरी मैन्युफैक्चर भी है। मेरा खुद का ये एस्टॉन पावर मेरी ब्रांड है। अच्छा। मेरा प्लांट भी है वहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चर का। अगर सारी मशीनरी किसी को लाइव अगर देखनी चाहिए, मेरी फैक्ट्री में आके लाइव देख सकते हैं। अच्छा। लाइव चलती हुई मशीनरी देखने के बाद फिर ऑर्डर कर सकते हैं हमको। अच्छा सर, जैसे अगर किसी को एक इनिशियल स्टेट में एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग छोटे स्तर पर लगाना हो, कितना खर्च पड़ जाता है और कितनी मशीन की जरूरत पड़ती है? ये समझो अगर मिनिमम, अगर महीने की, साल महीने की अगर 1000 से 1500 बैटरी का अगर करना है, तो मैक्सिमम उनको मशीनरी के अंदर 15 लाख के आसपास का बजट लगता है। अच्छा। अगर क्वांटिटी मान लो 2500, 3000, 4000 तक उनको जाना है, तो 30 से 35 लाख के आसपास का बजट लगता है मशीनरी का। अच्छा, मतलब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। और जैसे उनके यहाँ जितना सेल हो रहा है, जितना सेल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मशीनें सेट कर सकते हैं। जी। तो कम से कम आपने बताया कि 15 लाख का खर्चा है कम से कम इतना बिठाने में, है ना सर? तो चलो भाई, अगर आप ये बिठाना चाह रहे हो या अगर कोई भी मशीन की जरूरत हो तो आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, है ना सर? ओके, और सर, आप संपर्क कैसे कर सकते हैं आपसे? मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 972579557। हाँ जी सर। पटेल सलीम।
तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पर आपका मेल है, आईडी है, भी है और www.patelmake.com www.patel-mac.com और हमारी ईमेल आईडी है pateldymac@gmail.com। तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है या अगर किसी भी चीज़ की कमी है या अगर आप प्लांट बिठाना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली एक बार बात कर सकते हैं, सर आपसे काउंसलिंग कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपसे बात बिजनेस की बात हो जाएगी, है ना सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर।